हेलो दोस्तों, कार टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। चलिए आज नई वीडियो लेकर आए हैं। ये गाड़ी स्कोडा का है। इसमें कस्टमर का कहना है कि चक्का इसका जो है बहुत ज़्यादा चाट रहे हैं। देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा चाटे हैं, बाहर से उतना नहीं है। और जब रोड पर चलता है ना तो वाइब्रेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका अलाइनमेंट चेक करेंगे कि इसका भागा हुआ तो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमको एक धागा की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसे चलिए हम देखिए धागा लगा दिए हैं। देखिए धागा लगा दिए हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से चेक कर रहे हैं, ये धागा यहाँ से लेंगे और पीछे वाले चक्के से वहाँ से मिलाएंगे। वहाँ से देखिए पीछे वाले से मिलाएंगे। उसके बाद फिर ये जो यहाँ पे है इससे ये पूरी बराबर होनी चाहिए। धागा से पूरा सटा हुआ होना चाहिए, सटा हुआ भी नहीं और ना ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, पूरा हमसे बराबर होनी चाहिए। एकदम से हल्का सा सटा भी नहीं होना चाहिए, पूरा दोनों के डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ज़्यादा दूरी ना और ज़्यादा नज़दीक ना। एकदम से कम एक सूता भर फर्क होनी चाहिए टायर से, एक सूता भर फर्क होनी चाहिए। ये इसको कोई भी चेक कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा फर्क भी नहीं है इसको, आपको कोई भी इसको जब पता चले कि आपका दाएं बाएं गाड़ी भाग रहा है या वाइब्रेट कर रहा है तो आप एलिमेंट भी चेक कर सकते हैं इस तरह के धागा से। देखिए व्हील भी हल्का बाएं भागा हुआ है, देखिए हल्का झुका हुआ है बाएं। तो चलिए हम इसको उस साइड अब चेक करते हैं, उस साइड भी तो भागा नहीं है। चलिए हम इधर दिखाते हैं। देखिए देखिए उस साइड वहाँ से लगाएंगे, फिर जिस तरह पीछे उस साइड गया था उसी तरह इधर भी चेक करेंगे धागे से। तो देखिए ये बहुत समय ये देखिए अथी लगा हुआ रहता है, बेल क्लिप लगा हुआ था, उसको उतार कर करना है जो कि धागा उसमें ना सटे। देखिए मैं भी इसमें भी चक्का छाटा हुआ है अंदर। तो इसको देखिए इतना भागा हुआ है, इसे देखिए अंगली से पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको इसके लिए हम कुछ लकड़ी उकड़ी का कुछ जुगाड़ करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं आपको। इसे तुमको दिख गया है बट आपको दिखाते हैं। देखिए इसे देखिए पता चल रहा है कि हाफ इंच के लगभग भागा हुआ है। देखिए अंदर गया हुआ है, हाफ इंच के अंदर देखिए अंदर गया हुआ है। देखिए यहाँ से मिल रहा है, देखिए वो दिख रहा होगा, हाफ इंच अंदर गया हुआ है। तो चलिए हम इसको हम करेंगे। देखिए व्हील भी भागा हुआ है, थोड़ा सा भागा हुआ, ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए देखिए व्हील जो है ना बाएं साइड भागा हुआ है, तो हम इसका दाहिने साइड करेंगे। इसमें अथी भी आ जाएगा, व्हील भी सीधा हो जाएंगे और ये अलाइनमेंट भी करेक्ट आ जाएंगे। तो इसको हम चलिए खोलते हैं। देखिए ये नट होगा, ये टायर रोडिंग है, टायर रोडिंग को लिखे 22 नंबर रिंच लगेंगे। इसमें रिंच को हम लोग बोलते हैं, आप बहुत सी जगह आना भी बोलते हैं। नहीं उसको हम ढीला करके फिर ये 13 नंबर रिंच से हम इसको थोड़ी खोल लेंगे। देखिए इतना खोल दिए हैं, बोला था थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा, फिर कुछ कम कर देते हैं, ज़्यादा ये लगता है ज़्यादा हो जाएगा, वो लग रहा है कम कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा भागा हुआ नहीं था, थोड़ा सही था। छोड़ देते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको टाइट कर देंगे कि सही बात नहीं है, अभी भी
देखिए देखिए, अब देखिए थोड़ी धूप है, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए अभी करेक्ट हैं, अभी ठीक हो गए हैं, बराबर है, बराबर आ गए हैं। लेकिन दिख रहा होगा कोई दूरी ज़्यादा दूरी नहीं, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, ज़्यादा ज़्यादा दूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। प्रोडक्ट तो मिल गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो व्हील होता है ना वो भी सीधा हो गए हैं। तो फिर से देखिए दिखा देते हैं, देखिए वहाँ धागा भी ठीक है, धागा भी ठीक है, और देखिए यह व्हील भी पूरा सीधा है। देखिए वहाँ से ये देखिए यहाँ भी ठीक है, कोई पूरा करेक्ट मिला है, ज़्यादा नहीं कसे थे, ज़्यादा नहीं खोले थे, पूरा करेक्ट जितना था खोलना था उतना ही खुला है। देखिए बराबर है, ज़्यादा ठीक है, ठीक हो गया। हेलो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।